हम तो अपनी पार्टी से कहते हैं इस आदमी के लिए किसी भी स्थिति के लिए आपको तैयार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बुरा मत मानिएगा कि अगर ये आदमी किसी ब्याह के लिए बुलाए तो आप 13वीं के भोजन के लिए भी तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता। तो ये तो अरविंद केजरीवाल तो जिस विषय पे चाहे अपने विषय छोड़ के हर विषय पे चर्चा कर सकते। लेकिन सर चीफ मंत्री रही, जब दिल्ली काले से सफेद हुई, बस के काली धुएं होते थे, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बना, अब केजरीवाल साहब पर ये आरोप है जब 9 साल तकरीबन होने जा रहा है, दिल्ली की सड़कें टूटी है, यमुना और प्रदूषित हुई, हवा और प्रदूषित हुई, चीजें और दिल्ली की बिगड़ी है, इस पर भाजपा का आरोप है कि वो कभी भी दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली से जुड़े मसले पर चर्चा नहीं करते। इस पे तो भाजपा की बात सही, हिम्मत ही नहीं है ना करने की, कैसे करे भाई। आदमी अपनी कालिक कैसे लोगों के सामने रखे, और अगर उसमें कुछ लोकतांत्रिक भावनाएं होती तो करता ना, उसमें लोकतांत्रिक भावनाएं तो है नहीं। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं ना कि जो राजनीतिक प्रथा, जो राजनीतिक समाज और जो संसद का सम्मान जितना मोदी करते हैं उतना ही दिल्ली विधानसभा का ये करते हैं। और ये आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने विषयों की चर्चा के लिए ही दिल्ली असेंबली को इस्तेमाल करता है। कोई शायद ही एक सत्र हुआ हो जिसमें इसने ऑपरेशन को बाहर ना फेंका। ये टॉलरेंस की बात करता है, तुमसे 4 या 5 भाजपा के विधायक नहीं टॉलरेट होते भाई। शीला जी ने 15 साल किया था, एक बार शायद कभी हुआ था जो हुआ था, अदरवाइज उनके तो सामने 25-30-35 बड़े प्रभावी बीजेपी के विधायक रहा करते थे, उनको तो नहीं कभी बाहर देखा। तो आपने खुद बोला जब भाजपा किस महल, जो उनके नए घर का नाम दिया गया है, का मुद्दा चर्चा की मांग की तो मार्शल आउट कर दिया गया भाजपा की। वही हम कह रहे ना कि भाई प्रजातांत्रिक व्यक्ति थोड़ी है ये, तो जिसको कहते हैं ना फासिस्टवाद का एक नमूना है ये आदमी। और क्या लिबरल बताते हैं अपने, लिबरल भाई बताने को तो आदमी कुछ भी बता सकता है ना। आजकल अगर आपको टीवी दिखाने लगे, अगर आप 600-700-800 करोड़ के आपके पास विकास के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया आपके पास पैसा नहीं, इश्तहार के लिए पैसा है, तो ये तो एक सेल्फ बिल्डिंग वाली इमेज है ना भाई। मुझे मैं तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं तो 10 साल हो गए वो 350 पेज की चार्जशीट का भी इंतजार कर रहा हूँ जो हमारे खिलाफ पड़ दी थी, वो चार्जशीट तक तो दिखी नहीं। इतने आरोप लगे थे वो तो कहीं दिखे नहीं। जमुना पता नहीं कितनी बार कह चुके साफ होनी थी, हुई नहीं। कितने बार लोगों के घरों में नलके के पानी आने थे वो अभी तक आए नहीं। लंदन जैसी सड़कें होनी थी अभी तक हुई नहीं। हवा में दौड़ते हुए फ्लाईओवर बनने थे अभी तक बने नहीं। हर घर में ये तो कहते थे हर घर में मैं मेट्रो पहुंचा दूंगा, वो पहुंची नहीं। तो इस सब के बावजूद भी अगर केवल थोड़ी बहुत मुफ्तखोरी से लोगों की जेब में कुछ पैसा डाल के अगर आदमी राजनीति अपनी चमका सकता है, तो फिर मैं कहूंगा कि दिल्ली की जो लोगों की इस समय राजनीतिक समझ है उस पर हम शायद अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। हमें दिल्ली को राजनीतिक रूप से चेतना डालनी पड़ेगी और जागृत करना पड़ेगा और इसका फरेब दिखाना पड़ेगा। सर आप दिल्ली में हैं, अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस 700 सीट पर अपनी तैयारी करेगी लोकसभा की, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले 2024 में चुनाव की कैसी तैयारी करनी चाहिए? नहीं देखिए साहब, ये तो एक नीडलेस कॉन्ट्रोवर्सी है। अलका लांबा जी ने मुझे याद ये कहा था कि हमको 700 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए, और करनी चाहिए भाई तैयारी। अलायंस जब तय होगा तब होगा। अलायंस भी अगर तय होता, मैं आपको बताऊं, अगर समझ लीजिए कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हैं या कांग्रेस के जिससे अलायंस करता है उसे 2 सीटें मिलती हैं, ठीक है, तो अगर दूसरी सीट पर हमारी तैयारी नहीं है तो हम अपने पार्टनर की मदद कैसे करेंगे? और अगर हमको तो नहीं मालूम भाई 7 सीटें हैं, समझ लो हमको 4 सीटें मिलती हैं, कौन सी 4 मिलेंगी हमें क्या पता अभी, तो उनमें अगर हम तैयारी नहीं करके रखेंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? समझ लो ये आप नई दिल्ली में खड़े हैं, हमने नई दिल्ली में तैयारी नहीं की, ठीक है, 6 महीने बाद मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे कह दिया जाता है नई दिल्ली लड़ने का, कार्यकर्ता कहेगा कहां थे 6 महीने, आज आ गए। अगर मैं तैयारी नहीं करूंगा तो हमारे कैंडिडेट कैसे तैयार होंगे, हमारे वर्कर कैसे तैयार होंगे, हमारे लोग कैसे तैयार होंगे? लोकसभा चुनाव के 2 दिन में लड़ लिया जाता है। तो कुछ नहीं, देखो एक तो क्या कि थोड़े बहुत बेवकूफ है, कम समझते हैं, तो सामान्य भाषा वो समझते नहीं है। दूसरा क्या, जिंदगी में कभी उनको सच सुनने की आदत नहीं रही ना, वो सच और झूठ के बीच में अंतर नहीं समझते। जिस आदमी ने जिंदगी भर झूठ बोला हो वो समझता ही नहीं है कि सच क्या होता है, सत्य कैसा होता है, और निष्ठा और प्रतिष्ठा वाली पार्टी किस तरीके से बात करती है। जो जैसे मैंने कहा ना, जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी हमेशा रही है वो कांग्रेस के तर्क को कभी नहीं समझती है, गंभीर राजनीति को कभी नहीं समझती। उसने बोला तो हम दी जाएंगे, हमें अरे ना जाऊंगा, हो सकता बहाना ढूंढ रहे होंगे। कुछ दिन पहले उनको इंडिकेशन तो मिल गया था अमित शाह से कि आगे पार्टी में नहीं जाएंगे, तो अब अमित शाह जी ने कुछ हुक्म दिया है तो कुछ तो तामील इनको करनी पड़ेगी ना भाई। आका ने बोल दिया तो अब ये क्या करे बेचारा नीचे, झमूरा तो वही कहेगा। अलका लांबा ठहराते हैं या दीपक बावरिया के बयान? नहीं, दीपक बावरिया जी ने केवल क्लैरिफाई किया था, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी कहने लगी कि कांग्रेस कह रही है हम 700 सीटों पे लड़ेंगे,
पहली चीज तो ये नहीं कहा कांग्रेस ने कभी, दूसरा हमको आम आदमी पार्टी को कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं। लड़ेंगे आप सारी सीटों पे? सारों सीटों पे तैयारी करेंगे। अगर अलायंस होगा तो जिस पे अलायंस किसी और पार्टी को होगा हम उसकी मदद करेंगे। तैयारी करने का मतलब तो डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने की तैयारी। अभी ऐसे चुनाव लड़ेंगे ना, लेकिन वोट हाथ पर पड़ेगा या वोट हसिया पे पड़ेगा या वोट तृणमूल कांग्रेस की पत्ती पे पड़ेगा या वोट आम आदमी पार्टी के झाड़ू पे पड़ेगा। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तैयारी नहीं की तो चाहे हाथ के लिए वोट मांगना हो चाहे किसी दूसरे सिंबल के लिए वोट मांगना हो, वोट कैसे मांगोगे आप? तो आप तो अच्छी बात करेंगे, मदद से अपोजिट कैसे पहुंचेंगे, उनमें इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि समझ नहीं है ना। दूसरा बौखलाहट क्या, वो माहौल तैयार कर रहे हैं कि अगर भागना हो तो भाग लेंगे। जैसे मैंने कहा ना, वो भी तो सुनते हैं ना। अमित शाह जी ने कह दिया कि ये भागेंगे तो अब ऊपर से तो ऑर्डर आ गया, अब क्या करो? दोनों स्थिति के लिए तैयार हैं आप लोग? हम तो अपनी पार्टी से कहते हैं इस आदमी के लिए किसी भी स्थिति के लिए आपको तैयार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कि अगर ये आदमी किसी ब्याह के लिए बुलाए तो आप 13वीं के भोजन के लिए भी तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है।